जब से चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है तब से मोदी सरकार ने सारे लटके हुए डिफेंस प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी, जिससे हमारी सरकार और ताकतवर बन सके। 6 महीने बाद प्रधानमंत्री के इस फैसले का असर दिखने लगा है। नौसेना को एक ऐसी पनडुब्बी मिली है जिससे चीन और पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। क्या है इस पनडुब्बी की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखिए, ये तिरंगे में लिपटी भारत की वो मजबूती है जिससे दुश्मन का कलेजा कांप उठा है। ये INS वागीर है जिसे भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। INS वागीर के लॉन्च होते ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और दोनों देश INS वागीर की दहाड़ से कांप उठे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद के बीच PM मोदी ने उन सारे लटके हुए डिफेंस प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी थी जिससे सेना की ताकत और बढ़ सके। PM के इस फैसले के 6 महीने बाद ही इसका असर देखने को मिला और भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई। सेना को दुश्मनों को मात देने के INS वागीर मिल गया। ये पनडुब्बी अपनी शातर नजर से पानी के अंदर ही दुश्मन पर आसानी से वार कर सकती है। ये पनडुब्बी चीन और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका रूस की समुद्री शक्तियों को भी टक्कर दे सकती है। ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी हासिल करने में माहिर होती है। इतना ही नहीं, माइंस बिछाने, परमाणु हथियारों से हमला और एरिया सर्वेलांस जैसे खासियतों से पूरी तरह लैस होते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली INS कलवरी को 2015 में लॉन्च किया गया था और 2017 के अंत में उसे सेवा में लगाया गया था। पनडुब्बी का निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया है। LAC में चीनी सैनिकों की नापाक हरकतों के बाद से भारत सतर्क और अलर्ट है। भारत किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान और चीन से दो दो हाथ करने का मन बना चुका है, क्योंकि PM मोदी तीनों सेनाओं की ताकत और मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले फ्रांस से भारत राफेल की दूसरी खेप भी पहुंची है और वहीं अब जल में भी नेवी की ताकत को मजबूत किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने MDL में 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वागीर लॉन्च की है, जिसके बाद इसे देश की सुरक्षा के लिए समुद्र में उतार दिया गया। खास बात यह है कि इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों के लिए तकनीकी ट्रांसफर पर फ्रेंच सहयोगी और वहां की नौसेना के साथ मिलकर ये कंपनी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की मदद से भारत को 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां मिलनी है। इसमें से भारत को 3 पनडुब्बी INS कलवारी, खांडेरी और करंज पहले ही मिल चुकी हैं, जबकि अब बेड़े में INS वागीर को जोड़ा गया है। इन अत्याधुनिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत समुद्र के अंदर चुपके से दुश्मन को ठिकाने लगा देने की क्षमता है। PM मोदी दुश्मन को मात देने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं और भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं, जिसका असर काफी कम समय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने में राफेल के बाद INS वागीर से भारत की मजबूती देख चीन और पाकिस्तान थर थर कांप उठे हैं। कैपिटल TV के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।